अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 के लास्ट 2 टॉपिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में मेक श्योर करने के लिए जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वो सिस्टमेटिक है और सेंडर से रिसीवर तक जो हमारा नेटवर्क में डेटा फ्लो है उसमें किसी किस्म का इशू नहीं आ रहा। ठीक है जी, पूरे इंटरनेट में जो वर्किंग हो रही होती है वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही हो रही होती है। और अब हम बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स की। जो पहला प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं वो है TCP/IP, फुल फॉर्म है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये जो प्रोटोकॉल है ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि हम दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस के दरमियान जो डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी, अब हमारे पास उसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा जी, नाम से समझ आता है ये क्यों होता है। ये होता है फाइल्स को ट्रांसफर या मैनिपुलेट करने के लिए इंटरनेट पे। ठीक है जी, इसके बाद आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है जो हम वेबसाइट वेब पेजेस पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। आप देखते हैं अक्सर जब आप www जहाँ लिखा हुआ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वहाँ पे देखें तो कुछ वेबसाइट्स पे HTTP भी लिखा हुआ होता है। और ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास SMTP, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से समझ आ रहा है। ये ईमेल के लिए यूज़ होता है इंटरनेट पे। ठीक है जी, तो कितने हो गए? चार हो गए, आई थिंक चार हमारे प्रोटोकॉल्स काफ़ी हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है OSI मॉडल। OSI मॉडल बेसिकली क्या है? OSI मॉडल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा दिखता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। जब एक डेटा जा रहा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो वो कैसे जाता है, ये हमें बताता है OSI मॉडल। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको बनाया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में। ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। और हम इसको बेसिकली जो उल्टा पढ़ते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर पे स्टार्ट ऐसे होता है ओपन यू जाता है, मतलब अगर आप डेटा कहीं से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पहले यू आएगा फिर वो यू जाएगा। वो हम यू डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टडी करते हैं ताकि हमें आसानी से बात समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, जो हमारी पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है जी, 6, 7 थी हमारे पास एप्लीकेशन, 6 है हमारे पास प्रेजेंटेशन, 5th है सेशन, 4 है ट्रांसपोर्ट, 3 है थर्ड है नेटवर्क, 2nd है डेटा लिंक और 1st है फिजिकल। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी 7 लेयर। अब हम उनको याद कैसे करें? तो बहुत आसान तरीका है हमारे पास, हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम सबके पहले पहले कैरेक्टर को याद कर लें। जैसे कि मैं लिखता हूँ, हमारे पास पहली है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए से, ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है जी, 6 है फिजिकल, पी फॉर फिजिकल, सही है जी, 5th है सेशन, एस फॉर सेशन, 4th है ट्रांसपोर्ट, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, 3rd है नेटवर्क, एन फॉर नेटवर्क, 2nd है डेटा लिंक, डी फॉर डेटा लिंक, पी फॉर फिजिकल लेयर। अच्छा जी, अब याद करने का कैसा तरीका है? ऑल पीपल सीम टू नीड डोमिनोज पिज़्ज़ा। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम टू नीड डोमिनोज पिज़्ज़ा, या फिर यहाँ तक ये रखें, इसके बाद आप लिखते हैं
ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, जैसे आपको आसान लगे आप उसको वैसे याद कर लें, ठीक है जी। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ये है शॉर्टकट याद करने का कि हम अगर ऑर्डर याद कर रहे हैं तो कैसे होगा, तो ये है उसका आसान तरीका। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग या डोमिनोज पिज़्ज़ा। अच्छा जी, अब मूव ऑन करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर है क्या, उसमें क्या होता है यूज़ और काम क्या है इसका, ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। इसमें क्या होता है, ये ऐसी लेयर है जहाँ पे जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डेटा के साथ। कैसे, ये लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है और सर्विसेज सपोर्ट करती है, जैसे कि ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट ब्राउजिंग और ऐसी और अदर चीज़ें, ठीक है जी। और इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो होते हैं FTP, HHTP, HTTP और SMTP, ठीक है जी, हमने पढ़े भी हैं। अब चलते हैं आगे वाली लेयर, सिक्स्थ लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या है, नाम से समझ आता है, ये इसका काम ये है कि ये जो डेटा की ट्रांसलेशन है वो करती है, मतलब अपना एनालॉग डिजिटल वाला, जैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे पास बाइनरी फॉर्म में है तो हम इसको बना देते हैं एनालॉग में ताकि तेजी से ट्रांसफ़र हो, ठीक है जी। तो उसका काम यह है कि ट्रांसलेट करता है डेटा की रिप्रेजेंटेशन को, ये प्रेजेंट करता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप मैट्रिक्स देखी हो तो आपने देखा होगा कि बाइनरी डिजिट्स के साथ वो कोई अल्फाबेट्स और करेक्टर्स यूज़ करते रहे, जैसे मैंने लिखना है कोई चीज़। तो इससे क्या होता है कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो अगर कोई हमारा डेटा हैक करना चाहे, अगर वो हैक भी कर ले तो उसके बाद ऐसे फॉर्म में आएगा डेटा, जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने किसी को सेंड करा ब्लेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सेंड करा ब्लेज, उसके पास जाएगा, ऐसे जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। तो ये है ताकि हमारा जो डेटा हैक हो तो कोई उसको समझ ना पाए। ये होती है इंक्रिप्शन, आप अपने जो सामान है उसको इस तरह कर दो कि किसी के समझ में ना आए, इट्स कॉल्ड इंक्रिप्शन, और इसको सही वापस करना इट्स कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो ये सारा काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। और इस लेयर में जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है जी। अब चलते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, ये हमारे सेशन मतलब होता है ना ऑनलाइन सेशन, क्लास अटेंड हो रही है तो यही, इसका भी यही काम है, ये कनेक्शन मैनेज करती है कि डेटा कब सेंड करना है, कब कैंसिल करना है, कब स्टॉप करना है, ये सारा इसका काम होता है। और ये यूज़ करती है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, अगर आपको याद हो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है जी। अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि वाली है फोर्थ लेयर, और उसे हम कहते हैं हार्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है फोर्थ लेयर में। अच्छा, ये क्या करता है, ये कहता है कि जो हमारा डेटा है उसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है, सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। और अगर आपको याद हो तो शुरू के तीन में अभी तक जो काम हो रहा था वो हो रहा था डेटा पे, फोर्थ पे आते ही ब्रेक हो गया सेगमेंट्स पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो काम होता है वो सेगमेंट्स पे हल होता है, सेगमेंट्स को ब्रेक करते हैं, ये फॉरवर्ड कर देता है आगे, मतलब नेटवर्क लेयर को। और इसका काम क्या होता है, सेगमेंटेशन करना होता है और एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करता है तो ये क्या करता है, एंड टू एंड डेटा डिलीवरी, और ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा को और एरर डिटेक्शन और सीक्वेंसिंग, ये सारे काम ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं, ठीक है जी। इसमें जो हमारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो होते हैं TCP और UDP, ठीक है जी। और डेटा जो हमारे पास होता है फोर्थ लेयर में वो सेगमेंट कहलाता है,
अभी तक डेटा था फोर्थ पे आके सेगमेंट पे हो गया, ठीक है। फोर्थ का काम काम था ये इसको फॉर्मेट कर देगा थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में क्या होता है, थर्ड लेयर में ये होता है कि जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो बेस्ट रूट सेंड करता है डेटा को भेजने के लिए नेटवर्क में, ठीक है जी। और ये फॉरवर्ड कर देता है इसे डेटा लिंक लेयर पर, एक हमारी सेकेंड लेयर है। और इस लेयर में खास काम ये होता है कि इसमें आईपी एड्रेस लेके जाते हैं। आईपी एड्रेस इस लेयर में मार्क किए जाते हैं, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि इसमें आईपी एड्रेस हो जाते हैं और फिर हम इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं डेटा लिंक लेयर में। और इसमें जो हमारी एक और चीज़ काम करती है वो है राउटर। राउटर भी हमारा इस पर काम करता है। और ये क्या करता है, ये सेगमेंट्स है थर्ड वे, सेगमेंट्स को ये ब्रेक कर देता है पैकेट्स के फॉर्म में, सेगमेंट्स को मजीद ब्रेक करता है पैकेट्स के फॉर्म में। डेटा पहले सेगमेंट बना, सेगमेंट से पैकेट बना, पैकेट से बना इस पर आईपी एड्रेस लग गया। आईपी एड्रेस एक तरीके से एड्रेस है, जैसे आप किसी के घर में खत भेज रहे हैं तो आपने उसका एड्रेस लिख दिया कि जिसके घर जा रहा है, इससे भी यही काम होता है। और अब क्या होता है, जब ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक का काम क्या है, डेटा लिंक कनेक्शन बनाता है होस्ट के साथ और नेटवर्क में, नेटवर्क में कनेक्शन बनाता है होस्ट के साथ, जिसको डेटा जा रहा है उसके साथ कनेक्शन बनाता है, ठीक है जी। और अब क्या होता है, पहले था हमारे पास डेटा, वो बना सेगमेंट, सेगमेंट जब बना पैकेट, अब यहाँ पे आके ये बन जाता है बिल्कुल ही अलग चीज, वो है हमारा फ्रेम्स। फ्रेम्स बन जाता है, एक नाम का फर्क है और ये लिखना बहुत जरूरी है, इसके नंबर है, ठीक है जी। इधर लगा था आईपी एड्रेस, इधर लगता है मैक एड्रेस। तो एक तरीके से आपने एक खत भेजा, जो खत है उसका नाम है फ्रेम्स, सही है। इसको समझे, ये हमारा खत है, इसमें ये है एड्रेस जिनके यहाँ जा रहा है और ये उनका एड्रेस है जिसने भेजा है, ठीक है जी। ये आसान तरीका याद रखने का, जो कि ये हमारा कैसे ये सब काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है, ये सब तो बता दिया मैंने, अच्छा जी। डेटा जो है वो डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स कहलाता है, ठीक है जी। अब हमारे लास्ट लेयर फ्रेम्स बन के हमारे पास फिजिकल लेयर में आते हैं। फिजिकल लेयर नाम से समझ आता है, ये क्या करते हैं, फिजिकल कनेक्शन वायर्स के जरिए या किसी और जरिए कनेक्शन बनाता है ताकि हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाए, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, फ्रेम्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं बिट्स में, बाइनरी डिजिट्स में, ताकि रिसीवर जो है उसके पास आसानी से और बहुत तेज स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाए। और इसमें जो हमारे पास डेटा है वो कहलाता है बिट्स, बाइनरी डिजिट्स। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, और अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है प्लीज़ टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई रिप्लाई यू देयर। अल्लाह हाफिज़।